आमिर खान की फ्लॉप फिल्में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। ठग ऑफ हिंदुस्तान, इस फिल्म का इंतजार हर कोई कर रहा था, पर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को सबसे घटिया फिल्म बताया गया। इस फिल्म की कोई स्टोरी ही नहीं है। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो सबने सोच रखा था ये फिल्म 500 करोड़ से तो ज्यादा ही कमाएगी, पर अब लगता है ये सिर्फ 150 और 200 करोड़ ही कमा पाएगी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 नवंबर 2018 को। मंगल पांडे द राइजिंग। मंगल पांडे फिल्म एक फ्लॉप फिल्म थी आमिर खान की। ठग ऑफ हिंदुस्तान की तरह भी ये पुराने जमाने वाली फिल्म थी, जब अंग्रेज की हुकूमत थी इंडिया पर। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 30 करोड़ रुपए और ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 अगस्त 2005 में। मेला। मेला फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी आमिर खान की, क्योंकि आमिर खान की इस फिल्म को देखने के लिए कोई भी राजी नहीं था और ये फिल्म किसी ने नहीं देखी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 15 करोड़ रुपए। ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 जनवरी 2000 को। धोबी घाट फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जा रही थी। ठग ऑफ हिंदुस्तान की तरह पूरी ऑडियंस एक्साइटेड थी इस फिल्म को देखने के लिए, पर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म ठंडी और बेकार साबित हुई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 14 करोड़ रुपए। ये फिल्म रिलीज हुई थी 21 जनवरी 2011 में। अकेले हम अकेले तुम। ये फिल्म इंस्पायर्ड थी हॉलीवुड फिल्म क्रामर वर्सेस क्रामर से। इस फिल्म में आमिर खान और मनीषा दोनों ने बहुत गजब एक्टिंग की थी, पर जब आमिर खान इतने पॉपुलर नहीं थे और किसी ने ये फिल्म नहीं देखी, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 7 करोड़ रुपए और फिल्म रिलीज हुई थी 30 नवंबर 1995 में। बाजी फिल्म एक एक्शन मसाला फिल्म थी, पर इस फिल्म को फ्लॉप होना ही था, क्योंकि इस फिल्म के लिए ऑडियंस ने जरा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लोग बाद में थिएटर में जाकर सो जाते थे और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 5 करोड़ रुपए और ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 अप्रैल 1995 में। अंदाज अपना अपना फिल्म राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्ट की गई थी और ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी और किसी को भी ये बात नहीं पता कि ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 5 करोड़ रुपए और ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 नवंबर 1994 में। 1947 अर्थ। ये फिल्म तब रिलीज हुई थी तब आमिर खान 3 लगातार फिल्म ब्लॉकबस्टर दी थी और उन 3 फिल्मों के बाद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म की स्टोरी ज्यादा खास नहीं थी, इसलिए ऑडियंस ने इस फिल्म को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 4 करोड़ रुपए और ये फिल्म रिलीज हुई थी 10 सितंबर 1999 में। आतंक ही आतंक। ये फिल्म द गॉडफादर फिल्म का रीमेक थी। वो फिल्म तो हॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, पर ये फिल्म बॉलीवुड में सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में हर चीज बेकार थी और आमिर खान की एक्टिंग और स्टोरी लाइन भी। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2.5 करोड़ रुपए और ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 अगस्त 1995 में। परंपरा फिल्म एक बहुत बेकार फिल्म थी और ये फिल्म इसकी स्टोरी की वजह से फ्लॉप हुई थी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन एकदम घटिया थी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1.5 करोड़ रुपए और फिल्म रिलीज हुई थी 14 मई 1993 में।